हेलो सिविल इंजीनियर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अहमद हुसैन और हम आ गए एक और नया वीडियो लेके। दोस्तों आज का ये सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा जो हमारे जो फ्रेशर्स इंजीनियर्स हैं जो अभी कॉलेज से पास आउट हुए या वो इंजीनियर जिनको अभी सिर्फ एक या दो साल ही हुए फील्ड के अंदर। क्योंकि दोस्तों जब भी जो इंजीनियर्स होते हैं उनमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है, काफी ज्यादा डाउट होता है कि वो पास आउट होने के बाद यानी कि बीई या बीटेक करने के बाद वो किस फील्ड की तरफ जाएं। ठीक है, क्योंकि हमारी जो इंजीनियरिंग फील्ड है वो काफी ज्यादा वास्ट फील्ड, क्योंकि इसके अंदर हमारा बिल्डिंग का भी वर्क होता है, हाईवे का भी वर्क होता है, ब्रिजेस का भी वर्क होता है और उसी के साथ साथ एक हमारा ओवरहेड टैंक है उसके अंदर भी हमारा वर्क होता है। क्योंकि यानी कि एक ये पूरी कंस्ट्रक्शन की एक हमारी ये फील्ड हो जाती है। लेकिन उसी के साथ साथ दोस्तों एक और हमारी फील्ड होती है जिसे हम कहते हैं वैल्यूएशन फील्ड, क्योंकि जो इस वैल्यूएशन फील्ड होता है उनको हम वैल्यूएशन इंजीनियर्स कहते हैं। तो ये भी एक हमारी एक एक्स्ट्रा फील्ड आ जाती है, क्योंकि बहुत सारे इंजीनियर्स होते हैं उनको इस फील्ड के बारे में भी नहीं पता होता। तो हम डिटेल में बात करेंगे कि अगर आप एक सिविल इंजीनियर बन चुके हैं, आप अगर पास आउट हो चुके हैं, तो अगर आपको कंस्ट्रक्शन फील्ड में जाना है तो आपको क्या क्या यहाँ पर स्किल्स आना चाहिए, या अगर आप यहाँ पर वैल्यूएशन इंजीनियर बनना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्या क्या स्किल्स आना चाहिए। तो आज का ये सेशन इसी पर होने वाला है। तो चलते हैं हमारे इस सेशन में और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं, कि आप कंस्ट्रक्शन लाइन में जाना चाहते हैं या फिर आप वैल्यूएशन साइड में जाना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से हमने बताया कि अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो उसके अंदर हमारा बिल्डिंग भी होता है, हाईवेज भी होते हैं, ब्रिजेस भी होते हैं और ओवरहेड टैंक भी होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस तरफ जाना है, कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए आपको स्किल्स आना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जैसे कि सबसे जो मिनिमम हमारी जो स्किल्स होती है दोस्तों, और सबसे बेसिक के अंदर अगर आप एज अ कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर जाना चाह रहे हैं या किसी भी ब्रांच के अंदर जाना चाह रहे हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपको बिल्डिंग के अंदर जाना है तो दोस्तों उसके अंदर सबसे पहले आपको यहां पर एज अ साइट इंजीनियर वर्क करना होगा। तो लेकिन अगर आप एज अ साइट इंजीनियर वर्क कर रहे हैं दोस्तों, तो उसके अंदर आपको जो मिनिमम जो आपका स्किल्स आना चाहिए वो आपको आना चाहिए कि आपको यहां पर ड्रॉइंग रीडिंग, क्योंकि सबसे बेसिक चीज होती है हमारी ड्रॉइंग रीडिंग, वो आपको आना चाहिए। क्योंकि बिना ड्रॉइंग रीडिंग पे आप किसी भी तरीके का वर्क एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते। तो सबसे पहले आप जाओ और यहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट जो ड्राइंग्स होती है, यानी कि हमारी एक आर्किटेक्चरल प्लान होता है या हमारी जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग होती है वो भी होती है, उसके जो सेक्शंस होते हैं वो किस तरह से कट होते हैं, जो एलिवेशंस होते हैं वो हमें किस तरह से रीड आउट करना होती है, तो ये सारी चीजें सबसे पहले आपको यहाँ पर आना चाहिए। अगर आप यहाँ पर सबसे फर्स्ट स्टेप कि हमारी साइट इंजीनियरिंग है, साइट इंजीनियरिंग के अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पर ड्राइंग रीडिंग रीड आउट करना आना चाहिए। एक बार हमें यहाँ पर साइट की ड्राइंग रीड करना आ जाती है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि यहाँ पर हमें क्वांटिटी फाइंड आउट करना आना चाहिए। हम किस तरह से ड्राइंग रीडिंग से हम जो क्वांटिटीज है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हमारा कोई सा एक्सकेवेशन हो रहा है तो उस एक्सकेवेशन में कितना क्यूबिक मीटर हमें फाइंड आउट करना है, कितना क्वांटिटी निकलेगा। अगर वहाँ पर हमारी पीसीसी हो रही है या अगर हमारी वहाँ पर आरसीसी हो रही है, फॉर एग्जांपल एक फुटिंग है उसके अंदर अगर हमारी आरसीसी आ रही है तो उसके अंदर कितनी क्वांटिटीज आ रही है, क्योंकि जो क्वांटिटीज होती है उसकी क्यूबिक मीटर में होती है। फिर उसके अंदर अगर शटरिंग एरिया लग रहा है जो कि हमारा स्क्वायर मीटर में फाइंड आउट होता है तो वो किस तरह से हमें फाइंड आउट करनी है। अब जो आरसीसी उसके अंदर हमारा जो मटेरियल लग रहा है उसकी भी हमें मटेरियल की भी क्वांटिटीज फाइंड आउट करना आना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर सीमेंट लग रहा है, सैंड लग रहा है, एग्रीगेट लग रहा है और उसी के साथ साथ उसमें रेनफोर्समेंट यानी कि स्टील भी लगता है, रेनफोर्समेंट लगता है, तो उसकी भी हमें यहां पर फाइंड आउट करना आना चाहिए। तो सेकंड स्टेप ये आपकी यहां पर हो जाती है और उसी के साथ साथ आपको उसके अंदर जो एक्सेल होता है उस एक्सेल के अंदर भी आपको ये सारी चीजें करना आना चाहिए। दोस्तों एक बार आपको यहाँ पर कॉन्क्रीटिंग फाइंड आउट करना आ जाती है तो उसके बाद हमें यहाँ पर जो हमारा रेनफोर्समेंट का पार्ट होता है वो भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसे हम यहाँ पर बार बेंडिंग शेड्यूल कहते हैं। तो वो भी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको फाइंड आउट करने से। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी फुटिंग के अंदर कुछ रेनफोर्समेंट लग रही है तो उसका यहाँ पर हमारा जो लेंथ है, कटिंग लेंथ, वो किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। उसके अंदर जो नंबर ऑफ बार्स लग रही है एक पर्टिकुलर फुटिंग के अंदर वो हमें किस तरह से नंबर्स निकालना होगा, और उसके बाद उसका जो यूनिट वेट है और उसका जो वेट है वो किस तरह से हमें फाइंड आउट करना होगा, जिससे कि हम बॉटम से लेकर टॉप तक जो भी हमारा यहाँ पर रेनफोर्समेंट लगेगा हमारे एक पर्टिकुलर ड्राइंग के अंदर, वो हम उसका टोटल वेट हम किस तरह से फाइंड आउट कर पाएंगे वो आपको आना चाहिए। और उसी के साथ साथ कि एक पूरी बिल्डिंग के अंदर हमारा कितना वेट लग रहा है पूरा रेनफोर्समेंट का वो कितना लगेगा, क्योंकि आगे जाके यही सारी चीजें जो होती है वो हमें आगे जाके जो बिल हम जो बनाते हैं उसके अंदर लगाई जाती है।
अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में आता है कि आपको यहाँ पर जो बीओक्यू होता है, जिसे हम बिल ऑफ क्वांटिटी कहते हैं, वो भी आपको यहाँ पर बनाना आना चाहिए कि वो किस तरह से लिया जाता है, कि वहां पर हमारा जो डिस्क्रिप्शन है वो हमारा किस तरह से आएगा, कि वहां पर हमारी कौन सी कंडीशन लग रही है, वो कौन सी कंडीशन हमें कब यूज करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमारा कुछ एक्सकेवेशन है तो हमें उस एक्सकेवेशन को कितना डेप्थ तक हमें वहां पर एक्सकेवेट करना होगा, कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 300 mm करना है तो कौन सी हमारी कंडीशंस लगेंगी। अगर हमें वहां पर 300 mm से अगर ज्यादा हमें वहां पर एक्सकेवेशन करना है, यानी कि अगर हमें 1 meter या 2 meter एक्सकेवेशन करना है, तो उसके अंदर हमें कौन सी कंडीशंस लेनी होगी। अगर हम वहां पर हमारा फिलिंग हो रही है तो कौन सी फिलिंग उसके अंदर हमें करनी है, तो ये सारी चीजें आपको यहां पर पता होना चाहिए। तो कौन सी कंडीशन कब यूज होगी, अब जो कंडीशन हो रही है अब उसके अंदर हमें उसके रेट्स भी डिसाइड करना होता है। अब वो क्या होता है, वो रेट्स कैसे डिसाइड होते हैं, वो हम कहते हैं रेट एनालिसिस के थ्रू। अगर आप एज अ गवर्नमेंट की तरफ से अगर आप वर्क कर रहे हो तो वहां पर आपका जो DSR होता है या जो DR होता है उसकी हेल्प से आप वहां पर जो रेट एनालिसिस है वो आप प्रिपेयर कर सकते हो, या आप एज अ कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियर अगर आप एज अ वर्क कर रहे हो तो वहां पर आपको किस तरह से रेट्स उठाना है वो भी आपको यहां पर आना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा जो BOQ है वो भी आपको यहां पर प्रिपेयर करना होगा, और उसी के साथ साथ जो रेट एनालिसिस होता है वो भी आपको यहां पर आना चाहिए। अब दोस्तों एक बार जब आपको यहां पर BOQ प्रिपेयर करना आ गया तो यहां पर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाता है कि आपको यहां पर बिल भी बनाना होता है, यानी कि जिसको हम बिल प्रिपरेशन कहते हैं। जैसे कि आपने बहुत बार सुना होगा RA बिल, तो यही सारी जो चीजें होती है, जो हमारा रनिंग अकाउंट बिल है वो भी आपको यहां पर आना चाहिए, कि किस तरह से जो भी हम यहां पर वर्क करवा रहे हैं, जो भी हमारा साइट पे वर्क हो रहा है उसको हम किस तरह से पर मंथ बिल हम किस तरह से बना सकते हैं, तो वो भी इसके अंदर आपको आना चाहिए। अब हमारे यहाँ पर डिफरेंट बिल्स होते हैं, एक हमारा प्लिंथ एरिया बिल होता है, या लमसम बिल होता है, या कॉन्ट्रैक्टर बिल होता है, या हमारा रनिंग अकाउंट बिल होता है, फाइनल बिल होते हैं, तो काफी सारे बिल होते हैं। अब उसके अंदर हमारी अलग अलग शीट भी बनाई जाती हैं, जैसे कि मेजरमेंट शीट हो गई, एब्स्ट्रैक्ट शीट हो गई, रिकॉन्सिलेशन शीट हो गई, टेली प्रोग्रेस रिपोर्ट हो गई, तो ये सारी चीजें आपको आना चाहिए। तो मेनली आपको अगर आप एस्टिमेशन कर रहे हो उसके साथ साथ आपको यहाँ पर बिल भी बनाना आना चाहिए। मेनली जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट शीट है उसके अंदर हमारी जो प्रीवियस क्वांटिटी होती है वो किस तरह से हम लेंगे, जो हमारी प्रेजेंट की क्वांटिटी होती है वो किस तरह से लेंगे, जो हमारी क्यूमुलेटिव क्वांटिटी होती है वो किस तरह से आपको आना चाहिए। और उसी के साथ साथ जब हम डिफरेंट तरह के बिल्स बनाते हैं, यानी कि अगर हम रनिंग अकाउंट 1 बना रहे हैं या आरए बिल 2 बना रहे हैं, तो किस तरह से जो हमारा बिल होता है उसको हम चेक किस तरह से कर सकते हैं, तो ये सारी स्किल्स आपको यहां पर आना चाहिए। दोस्तों उसके बाद जब आपको यहाँ पर बिलिंग का वर्क अच्छी तरीके से आ जाता है, तो उसमें आपको आगे जाके जब आपको 2 साल का या 4 साल का 5 साल का जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, तो यहाँ पर आप प्लानिंग की फील्ड के अंदर भी आप जा सकते हो। तो जब आप प्लानिंग की फील्ड में जाते हो तो उसके लिए आपको जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो आपको यहाँ पर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पहला होता है MSP, जिसको हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, और दूसरा जो हमारा होता है वो हमारा होता है ओरेकल प्राइमावेरा P6। तो ये दो सॉफ्टवेयर होते हैं, ये भी आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है अगर आप आगे जाके वहां पर प्लानिंग की फील्ड में आप जाना चाहते हो। और उसी के साथ साथ कुछ थोड़े सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे कि आपको ऑटोकैड हो गया, MS Excel हो गया, या E-Tabs हो गया। अगर आप E-Tabs की बात करें तो वो हमारे स्ट्रक्चर फील्ड के अंदर आ जाता है। तो ये कुछ थोड़े बहुत जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो भी आपको यहाँ पर आना चाहिए। दोस्तों अब बात आती है कि जो सारी चीजें आप कहाँ पर सीख सकते हो, तो चाहे वो आपका एस्टिमेशन हो, चाहे वो आपका बिलिंग हो, चाहे वो आपका टेंडर हो, चाहे वो आपका वैल्यूएशन जो हम आगे जाके हम बात करेंगे वो भी हो, तो ये सारी चीजें आप हमारे रेनफोर्स के एप्लीकेशन में आपको यहाँ पर CPL पैकेज दिखेगा, जिसमें 40 से भी ज्यादा कोर्सेज है, जिसके अंदर आपका बिल्डिंग का कोर्स, हाईवे का कोर्स, ब्रिज का कोर्स, और यहां तक कि ओवरहेड टैंक का कोर्स, इसके अंदर आपको हर एक चीज आपको यहां पर डिटेल के अंदर मिलेगी। और उसी के साथ साथ जिन सॉफ्टवेयर्स के बारे में अभी मैं बात कर रहा था वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स आपको यहां पर मिल जाएंगे। और रेनफोर्स अपनी एनिवर्सरी के मौके पर एक काफी ज्यादा बड़ा ऑफर आ रहा है, जो कि आपको यहां पर उसके लिए सिर्फ 10 मई तक का वेट करना होगा। तो चलते हैं हम अगेन इस वीडियो में। तो दोस्तों अब समझते हैं कि अगर आपको यहां पर वैल्यूएशन की फील्ड में जाना है, यानी कि अगर आपको यहां पर वैल्यूएशन इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, क्या क्या स्किल्स आपको आना चाहिए, और उसी के साथ साथ क्या प्रोसीजर होता है कि अगर आपको एक अगर अच्छा वैल्यूएशन इंजीनियर बनना है। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि वैल्यूएशन इंजीनियर कौन होता है, लेकिन उससे भी पहले आपको समझना पड़ेगा कि वैल्यूएशन क्या होती है। तो किसी भी चीज की करंट वैल्यू पता करना वैल्यूएशन होता है, जैसे कि कोई भी व्हीकल्स हो, बिल्डिंग हो, फ्लैट या शॉप हो, या वो कितनी पुरानी है या कितनी नई है, और उसकी करंट प्रॉपर्टी की वैल्यू जानना, उसे उसकी कॉस्टिंग निकालना वैल्यूएशन होता है, और इन सारी चीजों की वैल्यू कैलकुलेट करने वाला वैल्यूएशन इंजीनियर होता है।
लेकिन मेनली सिविल इंजीनियरिंग में वैल्यूएशन इंजीनियर जो रोल होता है वो बिल्डिंग का वैल्यूएशन करना होता है, जैसे टैक्सेशन के लिए, लोन के लिए, मॉर्गेज के लिए, यानी कोई भी चीज गिरवी रखना है उसके लिए। सो ये सारी चीजों के लिए यहाँ पर हमें वैल्यूएशन करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को कोई बिल्डिंग को मॉर्गेज यानी कि गिरवी रखना है, उस बिल्डिंग के अगेंस्ट में उन्हें लोन चाहिए, तो इसको फाइंड करने के लिए हमें उस पर्टिकुलर बिल्डिंग का डिटेल एस्टिमेट बनाना होगा। फिर उसके बाद हम उसकी एक डिटेल वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाएंगे जिसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी वो भी समझते हैं। जैसे कि सबसे पहले प्रॉपर्टी ओनर का नाम होगा, उनका एड्रेस होता है, इंस्पेक्शन कब हुआ है उस बिल्डिंग का उसकी डेट होगी, वैल्यूएशन किस डेट को हुआ है उसकी डेट होगी वहां पर। फिर उसके बाद उसमें प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल होगी, जैसे टाइप ऑफ प्रॉपर्टी कौन सी, यानी कि कमर्शियल बिल्डिंग है या फिर वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने हैं, उसका जो बिल्टअप एरिया है वो कितना होगा, बिल्डिंग कितनी पुरानी है, क्योंकि वो भी उसके ऊपर भी वैल्यूएशन डिसाइड करती है, और बिल्डिंग के स्पेसिफिकेशन होते हैं जैसे कि उसमें स्लैब कौन सी डली है, वॉल्स कैसी है, स्लैब में प्लास्टर है कि नहीं है, पेंट वर्क कौन सा है और कैसा है, फ्लोरिंग में क्या लगा हुआ यानी टाइल्स है कि मार्बल है, और किस तरह की फ्लोर फिनिशिंग है, प्लंबिंग वर्क के भी बारे में देखा जाता है, इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क देखा जाता है। तो ये सारी इन सारी चीजों की डिटेल के अंदर रिपोर्ट बनाई जाती है, और इन सारी डिटेल के साथ साथ उस घर की फोटोज भी लगाई जाती है। सो उसके हिसाब से उस पर्टिकुलर बिल्डिंग की वैल्यूएशन डिसाइड करी जाती है। सो ये सारी चीजें ही जानने के लिए आपको यहाँ पर एस्टिमेशन भी आना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको जो बिल्डिंग की वैल्यू है कि उसका किस तरह से आपको यहाँ पर एस्टिमेट करना है। तो उन सारी चीजों के लिए भी आपको यहाँ पर उसमें साइट विजिट भी करनी होती है, सारी जगह को देखना होता है, उनका बिल्टअप एरिया देखना होता है, तो वो सारी चीजों के लिए भी यहाँ पर आपको एस्टिमेशन और किस तरह से उनकी ड्रॉइंग होगी वो सारी चीजें भी आपको रीड आउट करना आना चाहिए। अब समझते हैं कि वैल्यूएशन इंजीनियर कैसे बन सकते हैं और इस फील्ड में कैसे करियर बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ का मार्केट सर्वे करना होगा। मार्केट सर्वे का मतलब है कि जो डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स होते हैं, जैसे कि SBI हो गया, PNB हो गया, BOB यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, और भी काफी सारे प्राइवेट बैंक्स हैं, उसमें उनके रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स होते हैं, उनकी आपको लिस्ट निकालनी है, या फिर आप नेट पे भी जाके सर्च कर सकते हैं, या आपके एरिया में जो भी वैल्यूअर है उनके पास भी आप जा सकते हैं और उनको आप कन्विंस कर सकते हैं कि आप ये काम कर सकते हो, आपके अंदर इस काम को करने की कैपेबिलिटी है, क्योंकि इनिशियल लेवल पे आपको रजिस्टर्ड वैल्यूअर के पास ही जाकर आपको काम करना होगा। जब आपको धीरे धीरे आपको काम समझ में आ जाएगा, काम आप सीखने लगोगे, तो आपको मार्केट सिनेरियो पता चल जाएगा, यानी कि 3 से 4 साल में आपको फुल डेप्थ नॉलेज हो जाती है, जिससे आप किसी भी तरह का आगे जाके एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन सकते हैं। अब ये समझते हैं कि अगर आपको खुद ही एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनना है, इस बिजनेस के अंदर आना है, तो आपको क्या क्या चीजें यहां पर आनी चाहिए और किस प्रोसीजर के तहत आप यहां पर एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए एक सिविल इंजीनियर को लाइसेंस लेना होता है। अब इसके 2 एस्पेक्ट होते हैं लाइसेंस के। पहला, IBBI रजिस्टर्ड वैल्यूअर बना जा सकता है, यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, और दूसरा 34AB रजिस्टर्ड वैल्यूअर होता है। तो IBBI जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर होते हैं उनका IBBI की तरफ से लाइसेंस मिलता है, जिसके लिए BTEC या BE के बाद आपको 5 साल का एक्सपीरियंस कंपलसरी होता है। फिर उसके बाद आपको एक एग्जाम देना होता है, जब आप वो एग्जाम क्लियर कर लेते हो फिर उसके बाद आपको लाइसेंस इशू हो जाता है, तो आप एलिजिबल हो जाते हो कि आप एक IBBI के लाइसेंस रजिस्टर्ड वैल्यूअर आप बन जाते हो। और जो आप 34AB रजिस्टर्ड वैल्यूअर होता है उसके पास आपको ग्रेजुएशन के बाद आपको 10 साल का एक्सपीरियंस जरूरी होता है, यानी कि जो आपकी जो लोकल बॉडीज होती है, यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स कमिश्नर होता है, वो आपको ये वाला जो लाइसेंस होता है वो आपको इशू करके देता है। तो लेकिन उसके लिए आपको ग्रेजुएशन के बाद 10 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है, और इन सब के लिए आपको यहाँ पर एस्टिमेशन आना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इस तरह से एक हमारा जो सिविल इंजीनियर है, एक वैल्यूअर और एक वैल्यूएशन इंजीनियर बन सकते हैं। दोस्तों ये सारी चीजें आप कहां पर सीख सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा जो रेनफोर्स एप्लीकेशन है वहां पर ये सारी की सारी चीजें दे रखी हैं। चाहे आपको कंस्ट्रक्शन फील्ड में जाना हो तो वहां से भी आप सारे कोर्सेज देख सकते हो, वहां से आप परचेज कर सकते हो, और उसी के साथ साथ वहां पर आपको वैल्यूएशन का भी कोर्स दिया हुआ है, तो वहां से आप वैल्यूएशन का कोर्स भी ले सकते हो। लेकिन अगर आपको ये सारी चीजें सीखनी है एक साथ, तो यहाँ पर आप हमारा जो 10 मई को एक बहुत बड़ा पैकेज आ रहा है, जिसके लिए सिर्फ आपको उस टाइम एक कूपन दे दिया जाएगा, वो देखिए फिर वो आपको जो हमारा बहुत बड़ा जो ऑफर है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इंतजार करिए सिर्फ 10 मई का, और ये ऑफर दोनों हाथों से ग्रैब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।